बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल निम्बाड़ा मंडी भाव पर। मैं आपका दोस्त राजू धाकड़। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं लहसुन के आगे के भाव की। तो यहाँ पे अभी जो भाव चल रहे हैं निम्बच मंडी की हम बात करें तो निम्बच मंडी में जो कल बाज़ार थे, कल निम्बच मंडी में बाज़ार बहुत ही कम थे, यानी कि 1000 से 2000 रुपये निम्बच मंडी में डाउन थे कल के बाज़ार। दर्शकों, आज के बाज़ार की हम निम्बच की मंडी के बाज़ार की बात करें तो आज निम्बच मंडी में जो है लहसुन आया था, सब माल मीडियम ही आया था, यहाँ पे बड़े माल नहीं आए थे आज निम्बच में। तो यहाँ पे निम्बच मंडी में जो आज के बाज़ार है वो वापस 1000 से 1500 रुपये टाइट थे, यानी कि 1000 से 1500 रुपये भर के थे। तो वहाँ पे जो भाव थे मीडियम माल के वो बिक रहे थे 8 से 9 हज़ार रुपये, और जो लड्डू गोला माल था वो बिका था 10000-11000 रुपये तक। तो आज जो लहसुन के जो भाव थे निम्बच मंडी के वो टाइट थे। दोस्तों, निम्बच मंडी की बात करें तो यहाँ पे बाज़ार एक दिन टाइट रहते हैं और एक दिन मंदी हो जाती है, यानी कि एक दिन बाज़ार में 1000 से 1500 रुपये की तेज़ी देखने को मिलती है और एक दिन यहाँ पे मंदी देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि एक दिन जो है आवके बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और एक दिन जो है आवके कम रहती है, उसके हिसाब से यहाँ पे भाव चलता है। तो दर्शकों, आज की निम्बच मंडी की जो आवके थी काफ़ी कम थी, और कल की आवकों की हम बात करें तो कल 13000 के समथिंग आवके थी निम्बच मंडी की। तो कल के जो बाज़ार थे वो डाउन थे 1000 से 1500 रुपये, और आज के जो बाज़ार थे आज बहुत ही अच्छे बाज़ार देखने को मिले थे। मीडियम माल यहाँ पे 8 से 9 हज़ार रुपये तक बिक रहा था और जो लड्डू गोला माल था वो बिक रहा था 10 से 11 हज़ार रुपये। तो आज यहाँ पे बड़े माल बहुत ही कम देखने को मिले थे और जो छोटे माल है उनमें भी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी। बड़े माल के 5-10 टेर आए थे जो समथिंग 12 से 13 हज़ार रुपये तक बिके थे। दर्शकों, ये थी हमारे पास आज की जो जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको ये सेवा पसंद आ रही है तो आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि हम तेजी मंडी अपडेट यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं और छोटी सादड़ी मंडी और निम्बाड़ा मंडी के भाव भी यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। अभी निम्बाड़ा मंडी जो है रविवार तक अवकाश है और छोटी सादड़ी मंडी भी रविवार तक अवकाश है, तो हम भाव अपडेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मंडी अवकाश है तो भाव नहीं आ रहे हैं आप तक। जैसे ही मंडियाँ खुलेगी आपको भाव तुरंत मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप पंजाब थ्रेसर ख़रीदना चाहते हैं सेकंड हैंड, तो ये थ्रेसर आपके सामने है, देख पा रहे हैं आप, 2014 का मॉडल है, गांव आक्या, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। अगर आप ये थ्रेसर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये सामने दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इस थ्रेसर को ख़रीद सकते हो। सेकंड हैंड थ्रेसर है, 2014 मॉडल है, मॉडल आपके सामने है, शानदार है अभी तो मशीन, इसकी कुछ बिगड़ा नहीं है, कलर भी इसका एकदम शानदार है, देख पा रहे हैं आप, 2014 का मॉडल है। इसकी मांग मैं आपको बता दूं, 1,70,000 तक जो है कस्टमर की मांग है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका एड्रेस है गांव आक्या, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, उकारलाल धाकड़। तो आपको नंबर दिख रहे हैं उकालाल जी धाकड़ के, तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इनकी मांग है 1,70,000 रुपये, तो आप इनको और कॉल करके जो भी है आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। पंजाब थ्रेसर है, 2014 का मॉडल है।